सीधे क्या सोचा था बात, ये देखो लाइव हो साफ समझ सकता आते हैं कि है। मस्ते ऐसे तो 100 रुपए में प्रोटीन पूरा करवा देता हूँ, क्या करेगा प्रोटीन लेके। सुनो मेरी चीज सुनो भाई, 13,000 लोगों के वोट आ गए यस के, अगर 250 रुपए के हिसाब से बेचता ना लाइव, भैया 35 लाख रुपए एक दिन में छाप देता मैं। कंगन आ जाते फिर। आप देखो तो आपने बोला ना, अरे आपने बोला ना, अरे सावन में कहा था आऊंगा सोने के कंगन लाऊंगा, ना तू आया ना तेरे कंगन कहीं बीत गए मौसम। जो हल्की दल्की बची हुई है ना, एक ऐसा दिन भी आ सकता है कि तेरे को साइड में बिठा के ना, मैं तेरे आईडी पासवर्ड चेंज करके, 2 स्टेप वेरिफिकेशन चेंज करके ना, चिंगा 30 की जगह ना रजत 30 कर सकता हूँ। उस लेवल तक जा सकता हूँ, सारी पोस्ट डिलीट कर सकता हूँ, तू इंस्टाग्राम से यूट्यूब से गायब कर सकता हूँ मैं तेरे को, अगर मैं मेरी पे आया। संभल जाओ, सुधर जाओ, नी हेकड़ी ना ऐसी निकल जाएगी, अगली बार ना मांडोटी छारा गांव में पंचायत के बीच में बैठे दिखोगे, और कहां से कहां आ जाओगे किसी को पता नहीं लगेगा। ओए होए कंगन कंगन ना कर यार, कंगन के संग लाया हार। एक सेकंड देना प्लीज। हाँ जी भाई साहब, रजत एडवोकेट ईशान प्रताप सर, मैं अभी लाइव हूँ, मैं इसीलिए तुमको फोन किया था। जी सर बताओ। सौरभ कोई भी अभी सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट तुमको लेकर नहीं दे रहा है, सारी चीजें हैं, मैं इस चीज को यहाँ दा एंड कर रहा हूँ मेरे पार्ट पे, बहुत रिस्पेक्टफुली। मैंने उसके लाइव के बाद उसको फोन किया और मैं तुमको भी कर रहा हूँ सर, बस 15 मिनट में कॉल करता हूँ आप। मैंने ऐसे नहीं बोला कि 40 लड़के छुपके मुझ पे अटैक करे भाई, तेरे हिसाब से करेंगे क्या? तू ही प्रवोक करे, तू ही सीन क्रिएट करे, और तू ही बताए हम किस हिसाब से काम करेंगे। अपनी बातों से पलट गए। 28वीं चीज, इसने बोला पेपर पे साइन नहीं करूंगा, मैं हाथ देके भी ना साइन करवा लूंगा। इसने बोला कोई निहत्ता है, अकेला है, उस पर छुपके 40 लोग वार करें, हमें ये नहीं सिखाया गया। भाई आर्यन कंडारी के साथ तो आप यही कर रहे थे, नेशनल में एक लड़का था जिसने आपकी मां के कंगन वाली रील शेयर कर दी थी, उसमें तो आप 30-40 लोगों को ले जाके उसको बोल रहे थे बाहर निकल के दिखा, जिम के बाहर 40 लड़के लेके चले जाओ, तू आ जा लेके, तू आ जा लेके, और तू बोल रहा है जिम के बाहर चले जाओ, जिम के बाहर कम से कम तेरे सपोर्ट में जिम वाले लोग तो आ सकते थे, इतनी सारी भीड़ थी आ सकती थी, तू क्या चाहता था घर के बाहर चले जाए, वहां तो कोई भी नहीं आता, भागता का जंगल में। तेरे पे अगर प्रूफ मिल जाए ना, बहुत बढ़िया लॉयर हायर कर, और तेरे को एक चीज बताता हूं, तेरे घर के घर बिक जाएंगे, घर के घर बिक जाएंगे, और तेरे पे बाल नहीं उखाड़ा जाएगा। टॉप कर रहा हूं ठीक है। तो ये चिट्टा पट्टा मैंने बहुत करा है भाई साहब के लाइव के हिसाब से, इन्होंने जो चीजें बोली है पहले वो स्टार्ट करते हैं। ओ माय गॉड, आई एम लुकिंग ब्लैक, बट ब्लैक लाइव्स मैटर टू। ठीक है, पहली बात तो ये FIR करके नहीं आए, ये रिपोर्ट करके आए हैं, और जिस बाइक पे गए, गाड़ी पे भी नहीं गए, उस बुलेट का नंबर है MP04 एंड में 0035। इतनी इतनी खबर आपकी हमें है। दूसरी चीज, अब मैं चीज बोलूंगा जो इन्होंने लाइव में बोली है और उसमें मेरा क्या लेना देना है। पहली बात कि इन्होंने पहली चीज बोली लाइव में सीक्वेंस वाइज कि बंदा आता है कि तेरे पे अटैक हो जाएगा, ऐसा ही से बताता है, मुझे भी ऐसा लग रहा था, पर असल में वो उसी भाई ने बताया है जिसने इसकी फील्डिंग लगाई है, और वो इसी का दोस्त था, वो ही मेरा दोस्त था, और उसी ने डबल गेम खेली है। दूसरी चीज, इसने बोला जिम के बाहर खाली सड़क है, कोई नहीं है, जिम के बाहर मेरे भाई तेरे मॉल है, और वहां पार्किंग तक का स्पेस नहीं होता, कितनी गाड़ियां हैं, कितने लोग हैं, उस रोड पे आने जाने तक का स्पेस नहीं होता। दूसरी झूठ। तीसरी लाइन बोली, कल देखेंगे कि आया है कोई या नहीं आया। कॉमन सेंस बताओ, अगर तुम्हें कोई आज मारने पीटने आया, वो कोई घूम के कल तक रुकेगा? पॉइंट ही नहीं है कहीं तक कि आज कोई तुमसे लड़ने आया और तुम कल उसे देखोगे। चौथा पॉइंट, गाड़ी निकलते ही कम से कम 30-35 लड़के थे, ऐसा इसने बोला अपने लाइव में। लाइव के टाइम तो तू बोल रहा था 15 और 20 लड़के थे, ये दुगने कैसे हो गए? नंबर गेम झूठ। पांचवी चीज, इसने बोला हाथ में डंडे थे, गाड़ी के बोनट पे डंडे मारे, तो डंडे मारे, डंडों का निशान तो दिखाया नहीं आपने कहीं, गाड़ी के आगे अगर हम होते तो भाई तू भाग नहीं पाता, हम तेरी गाड़ी के पीछे थे और शीशे पे किसी का घूसा लगा था। आपकी पांचवी झूठ। छठी चीज,
इसने बोला नाम काफी गिर रहा है, काफी डूब रहा है, था ही कब। चलो पॉइंट हटाते हैं। सातवीं चीज, पहले का जमाना नहीं है, माता पिता के बारे में सोचना होता है, ऐसा इसने बोला। जब भाई माता पिता के बारे में सोचना होता है तो बोलते टाइम क्यों नहीं सोचते, मार खाते टाइम क्यों सोचते हो, ठीक है। आठवीं चीज, 40 लड़के हथियार के साथ अंधेरे में आए, अंधेरे में आए, लाइव में 15 लड़के थे, 15-20 लड़के आपने लाइव में बताया, अपना लाइव शुरू होते टाइम आपने अभी 30 बोले और ये 40 कैसे हो गए, और अंधेरे में थे तो हथियार कैसे देख लिया आपने इनके हाथ में, भागते टाइम इतना सब कुछ नोट कैसे कर लिया कि इतने लोग हैं, इतने हथियार हैं। नौवीं चीज इसने बोला, डंडे, हॉकी, बेस बैट, रॉड, भाई ये झूठ बोल रहा है, हम पे हॉकी नहीं थी। दसवीं चीज इसने बोला, फेस कवर है, वीडियो रिकॉर्डिंग में देखना सबके मुंह खुले थे, जब हम खुले में चीज कर रहे हैं तो मुंह क्यों दुबकाएंगे। ग्यारहवीं चीज इसने बोला, इंजरी दे देते या जान लेने की प्लानिंग थी, वो भाई आप अपने मन में मनगढ़ंत चीजें बोल रहे हो, उनका कोई प्रूफ नहीं है। बारहवीं चीज, तुम्हें भी भागना चाहिए जब 40 लोग लगे हों, आपको ये चीजें पब्लिकली बोलने की जगह ये बोलना चाहिए, ऐसे काम मत करो कि इतने लोग आपको मारने पीटने हैं। इसने बोला, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, अगर भाग गया तो कोई बात नहीं, आप प्राउड फील करो। चौदहवीं चीज इसने बोला, पुलिस स्टेशन में 30-40 लड़के लेके ही गया, चौकी से जब फोन आया तो उन्होंने बोला 5 लड़के आए हुए हैं आपके खिलाफ रिपोर्ट कराने, झूठ, रिकॉर्डिंग है मेरे पे पुलिस वाले की भी। पंद्रहवीं चीज इसने बोला, पुलिस ने ट्रेस करी लोकेशन की, वो 1.5 घंटे दूर है। मेरे भाई लोग किडनैप हो जाते हैं, लोगों का मर्डर हो जाता है, FIR होती है, उसके बाद सीक्वेंस भाई 2 या 3 दिन बाद ट्रेसिंग स्टार्ट होती है, तेरे ऐसे कौन से लिंक है जिन्होंने बिना FIR के, बिना रिपोर्ट के, बिना कुछ हुए तेरे लिए ट्रेसिंग कर दी, हाओ बहुत पहुंचे तेरी। सोलहवीं चीज बता पाते, इसने बोला, पेपर पे साइन का चांस नहीं है, कुछ भी कर लेना। एक हमारे बीच में ना बिचौलिया था एक भाई, जिसने कोशिश करी सब कुछ सुधारने की, उस टाइम बात ये हुई थी कि भाई तेरे को साइन करने में अगर तेरे को लगता है ना तेरा अपमान हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, या तू डिफेम हो जाएगा, तो तू चल पब्लिकली आके एक बारी सॉरी बोलते, हम उतने में संतुष्टि कर लेंगे, तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, तो उस चीज के दम पे ये बकचोदी कर रहा है। सत्रहवीं चीज इसने बोली कि नाम गिराने की कोशिश है, जो काफी हद तक गिर चुका है, कभी बाहर मोहल्ले में निकल के देख तेरा नाम था कब। अठारहवीं चीज ये बोला, अकेला आया हूं, किसी के बल पर नहीं आया, तो मेरे भाई हर चीज में सपोर्ट क्यों मांगते रहते हो कि सपोर्ट कर दो, सपोर्ट कर दो, सपोर्ट कर दो, सपोर्ट मी इन दिस जर्नी, यूज कोड चिंगा30, भाई इसे बॉयकॉट करना स्टार्ट करो, सबके दम पे आगे उठता है और फिर जाके बोल देता है अकेला काफी हूं, अकेले अपने दम पे आया हूं। 19वीं चीज इसने बोली, झाटू मैंने बोला एक्सेप्ट करा है, शाबाश तूने कुछ एक्सेप्ट करा। 20वीं चीज इसने बोली, मैंने दल्ला बोला है, मैंने एक्सेप्ट करा, पहले बोल रहा था दल्ला ब्रोकर को बोलते हैं, पर इसने अभी बोला मैंने दल्ला बोला है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, इसके शब्द हैं इसके लाइव। 21वीं चीज, उसका मतलब के झूठ बोलना, दल्ले बोलना, इसने बोला कि अगर मैंने दल्ला बोला है उसका मतलब मैंने उसको सरनेम वाइज नहीं बोला, मैंने खाली दल्ला ब्रोकर वाइज बोला है। भाई तूने जो बोला है वो तेरे दिमाग में सोच के बोला है, क्या डिसाइड करना है हमें क्या लगेगी वो हम देखेंगे, हम क्या डिसाइड कर रहे हैं। इसने बोला जाट पेजेस जाट जाट कर रहे हैं, मेरे भाई तू सोशल मीडिया पे खाली यही चीजें देख रहा है क्या, हमारे लोगों ने तो खूब अच्छे से चीजें फैलाई हैं, और हमारा तुम्हारा में बांटने का पॉइंट क्या है। आगे 23वीं चीज, गाड़ी जिसकी फोड़ी वो जाट है, अच्छा मतलब कुछ सीन बन रहा है और हम तेरे पीछे भागते टाइम गाड़ी वाले को पहले रोके पूछे भाई जाती क्या है, ये पूछे। 24वीं चीज, थाने में 15 लड़के थे 30-40 में से जो इसके साथ गए, ऐसे इसका बोलना है, जो जाट थे, थाने में इसके साथ 30-40 लड़के गए, जो कि इसकी लाइफ में पहले 30 थे, असल में पुलिस वाले के हिसाब से 5 थे, जिसमें से कि ये बता रहा है 15 जाट थे। जब तू लड़के लेके जाता है कागज पे लिस्ट बनाता है क्या, कौन जाट है, कौन गुजर है, कौन राजपूत है, कौन ब्राह्मण है, तू ले जाते टाइम सरनेम चेक करता है क्या। आगे सुनो 25वीं चीज, वही जाट मेरे भी दोस्त है, तो ठीक है भाई तू हमें साइन करके मत दे, उन्हें साइन करके दे दे। 26वीं चीज, असली बहादुर जाट इसे सपोर्ट करेगा।
जो उसने करा भागने वागने का सीन। भाई असली बहादुर जाट हो, राजपूत हो, या कोई भी इंसान हो ना, किसी भी कौम का हो, किसी भी बिरादरी का, वो स्टैंड लेना चाहेगा बहादुर, असल में बहादुर, ना कि भागने वाली चीज को। इसने उसके बाद 27वीं चीज बोली, मैं राजपूत हूं, कोई निहत्ता है, अकेला है, उसे छुपके 40 लोग मार जाएं, उसे, मैं राजपूत हूं, ध्यान से सुनना, इसने बोला मैं राजपूत हूं। अब आपने पब्लिकली बोल दिया है आप राजपूत हो, तो ये चीज बता दो आप कौन से वंश के, कौन से वाले राजपूत हो, क्योंकि आपके सरनेम पे आधार कार्ड में कुमार सिंह है, आपके पिताजी के भी कुमार सिंह है। अगर आप किसी कम्युनिटी का नाम ले रहे हो तो प्रूफ दो, अपना जाति प्रमाण पत्र या कुछ भी, मैं तो कोई होता नहीं हूं मांगने वाला, पर अगर आप बोल रहे हो तो प्रूफ तो कर दो ना कि उस जाति से बिलोंग भी करते हो, मैं मेरा दिखा सकता हूं। इसने बोला कोई निहत्ता है, अकेला है, उस पर छुपके 40 लोग वार करें, हमें ये नहीं सिखाया गया। भाई आर्यन कंडारी के साथ तो आप यही कर रहे थे, नेशनल में एक लड़का था जिसने आपकी मां के कंगन वाली रील शेयर कर दी थी, उसमें तो आप 30-40 लोगों को ले जाके उसको बोल रहे थे बाहर निकल के दिखा, बाहर आ, अपनी बातों से पलट गए। 28वीं चीज, इसने बोला पेपर पे साइन नहीं करूंगा, मैं हाथ देके भी ना साइन करवा लूंगा। ये लखनऊ के वकील का फोन है, एक सेकंड देना प्लीज। हाँ जी भाई साहब, रजत एडवोकेट ईशान प्रताप। सर मैं अभी लाइव हूँ, मैं इसीलिए तुमको फोन किया था। जी सर बताओ। सौरभ कोई भी अभी सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट तुमको लेकर नहीं दे रहा है। सर मैं भी नहीं दूंगा कुछ भी, आप मेरा लाइव देख लो, नहीं दूंगा। आप उससे या इस मैटर से रिलेटेड कोई चीज अभी नहीं करेंगे, आप लोग का जो भी मैटर है। सर मैं आज इस चीज को खत्म करूंगा, आप सौरभ को लाइव जाने से पहले बोल देते, मेरे को पूरी रिस्पेक्ट है आपकी, सारी चीजें हैं, मैं इस चीज को यहाँ एंड कर रहा हूँ मेरे पार्ट पे, बहुत रिस्पेक्टफुली। मैंने उसके लाइव के बाद उसको फोन किया और मैं तुमको भी कर रहा हूँ। सर बस 15 मिनट में कॉल करता हूँ, आप बस 15 मिनट कर लो जी। ठीक है सर, मैं करता हूँ ठीक जी, ठीक है ठीक है, ओके। ये एक भाई साहब हैं लखनऊ से, हाई कोर्ट से, ठीक है। तो इसके बाद इसने बोला मैं राजपूत हूं वगैरह वाली बात होगी ना, कि मैं अकेला किसी को नहीं मारता, नेशनल के टाइम क्यों किसे कैसे मार रहे थे। इसने बोला पेपर पे साइन नहीं करूंगा, भाई वो मैं हाथ देके भी करवा लूंगा अगर अपनी पे आया। 29वीं चीज, मैं लॉ के हिसाब से जाऊंगा, इसके घर में जज है तो क्या हुआ। अब भाई मैंने तो पब्लिकली कभी नहीं बोला कि मेरे घर में जज है, अगर बताया था तो ये भी बता देता 3 जज हैं, मेरे मामा के लड़के कौन है, बुआ के लड़के कौन है, क्या करता है कोई, मेरा भाई बड़ा कौन है, मैंने कभी ये चीजें नहीं बोली ना मैं बोलने वाला, पर तूने जज वाली बात बोली तो पूरा बता 3 जज है घर में। पर वो जज मेरे को ये नहीं बोलते कि तू जाके कुछ उल्टे सीधे काम कर, या अगर मैं कोई काम करता हूं तो उनके दम पे नहीं करता, अपने दम पे करता, ठीक है। 30वीं चीज इसने बोली, मेरे दम पे 2 लाख फॉलोअर हुए इसके और डॉन वाली इमेज बनी है। मेरे भाई ये जो जनता है, ये आपके बाप की नौकर है या आपने खरीद ली, जो आप बताओगे किसको फॉलो करेगी किसको फॉलो नहीं करेगी। कंट्रोवर्सी आपने शुरू करी थी, मैंने नहीं करी थी, कंट्रोवर्सी शुरू आपने करी थी, मैंने नहीं करी थी। तेरे 785 के फॉलोवर कुछ है ना, 700, 750, 800 जो भी है, 12,000 लोग देख रहे थे तेरे को, 34,000 लोग देख रहे हैं, इन सबके फोन जाके मैंने चलवा दिए क्या। आगे सुनो, 31वीं चीज, जिम के बाहर 40 लड़के लेके चले जाओ, तू आ जा लेके। और तू बोल रहा है जिम के बाहर चले जाओ, जिम के बाहर कम से कम तेरे सपोर्ट में जिम वाले लोग तो आ सकते थे, इतनी सारी भीड़ थी आ सकती थी, तू क्या चाहता था घर के बाहर चले जाए, वहां तो कोई भी नहीं आता, भागता का जंगल में। 32वीं चीज, पेड़ के पीछे लड़के थे, गाड़ी के नीचे लड़के थे, गाड़ी में सो रहे थे वो लड़के थे, भागते हुए तूने ये चीज नोट कर ली, इतनी तेज, इतनी कौन सी चील जैसी आंखें हैं, तूने बंदे भी गिन लिए, हथियार भी गिन लिए, पेड़ के पीछे भी देख लिया, गाड़ी के नीचे कौन सोता है यार, क्या बोल रहा है। 33वीं चीज, जान बचाना परम धर्म है, परम धर्म ये है कि ऐसे कर्म मत करो कि जान बचानी पड़े। 34वीं चीज, कहानी खत्म, तुम फोटो पे लिख देते रेस्ट इन पीस। थोड़े दिन पहले तो तू लाइव डाल रहा था, आई हैव नो फियर ऑफ डाइंग, आई विल किल यू, अपनी बारी में पार्टी की, चलो कोई बात नहीं। 35वीं चीज, मेरे मां बाप का क्या होता, रोते रहते। तो भाई आप बोलने से पहले अपने मां बाप के बारे में एक बार ही सोचो, आप दूसरे किसी को कुछ बोल रहे हो, कुछ चीजें गलत हो सकती हैं, आप उसके काउंटर में भी चीजें देखो ना। 36वीं चीज,
ना बता के आया ना लोकेशन दी। भाई मैं सिंगा थोड़ी हूं जो मैं बता के आऊंगा, सब कुछ करके आऊंगा कि हाँ मैं आ रहा हूं, आ जाओ मेरा स्वागत करो। रेड कारपेट बिछा दो, गेंदे के फूल की माला तैयार रखो, ठीक है। मैंने ऐसे नहीं बोला कि 40 लड़के छुपके मुझ पे अटैक करे। भाई तेरे हिसाब से करेंगे क्या? तू ही प्रवोक करे, तू ही सीन क्रिएट करे और तू ही बताए हम किस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। 38वीं चीज, कॉल आउट में मेरा शहर नहीं है। कॉल आउट के लिए मैंने बोला ये मेरा शहर नहीं है, मैं बस 5-7 साल से रह रहा हूं, 5-6 साल से यहां रह रहा हूं। 5-6 साल से तू रह रहा है और तेरा इतना सर्कल नहीं है कि तेरे जिम से 3 लड़के बाहर आ जाए तेरे साथ। वो जिम इतनी कचाकच भरी होती है, 40-50 लोग होते, तेरे साथ 2 लड़के नहीं आए। तो मेरे भाई तेरे को एक बार सोचने की जरूरत है, तेरा कॉलेज वो है, कॉलेज में कितने लड़के होते हैं, जूनियर होते हैं, सीनियर होते हैं, सर्कल होता है। हमारे कॉलेज का चपड़ासी भी साथ में आ जाता, जिम के स्वीपर से भी इतनी अच्छी दोस्ती यारी होती है कि वो भी साथ खड़ा मिल जाएगा बिना बुलाए। तो भाई आप पहले ये देखो आपने सर्कल क्या बनाया है। 39वीं चीज, 2-3 घंटे मिलते तो ये यहां से जा नहीं पाता। भाई हमने तो खूब बोला था, बता देना, फेट लेना, रुक जाएंगे, आराम कर लेंगे, तब क्यों नहीं बोले, जाने के बाद क्यों बोले। इसने 40वीं चीज बोली, इसका फायदा हुआ है। तो मैंने कब बोला था कि मेरे साथ कंट्रोवर्सी करो, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलो? मैंने तो कभी आपके लिए उल्टा सीधा नहीं बोला। 41वीं चीज, वो कल को अकेला खड़ा है सब्जी मार्केट में, जिम में अकेला जाए तो हम 40 लड़के लेके आ जाएं। भाई मैं जिम में हमेशा अकेला होता हूं और मैं सब्जी मार्केट से सब्जी नहीं खरीदता, मैं ब्लिंकिट से ब्लिंकिट करता हूं, ठीक है। और आप 40 के आप 400 लड़के लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 42वीं चीज, कोई भी मार सकता है। इसने बोला कोई भी मार सकता है, तेरी औकात नहीं है, ठीक है। 43rd चीज, 40 आएंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तू 40 लेके आ, मैं दिखाता हूं क्या करते हैं। 44वीं चीज, मैंने इसे दल्ला बोला, यहां पे इसने एक्सेप्ट करा है कि इसने मेरे को दल्ला बोला है, गाली नहीं, ब्रोकर वाली चीज नहीं, इसने मेरे को दल्ला बोला है। 44 मैं इसकी बातों को बता रहा हूं, मनगढ़ंत नहीं, जो इसने बोला है वो चीज। 45th चीज, 20 मर्द छुपके अटैक नहीं करते, हाइड एंड सीक खेलने नहीं आए थे मेरे भाई वहां, और गेम भी तू स्टार्ट करे, रूल भी तू बनाए, तेरे हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी। 46th चीज, मुझे ये सब नहीं करना। जब भाई तुझे ये सब नहीं करना था तो इसकी शुरुआत क्यों करी, कॉल आउट क्यों दे रहा था कि आ जाओ, आई हैव नो फियर ऑफ डाइंग, मैं अकेला काफी हूं, कोई रोक नहीं पाएगा। तेरा 1-1.5 साल से ये रोना धोना चल रहा है। 47 चीज, रजत दलाल बोल रहा है सॉर्ट कर लो, बार बार कॉल डाल रहा है कि फिक्स कर लो इस चीज को, मतलब कि कंट्रोवर्सी सॉर्ट कर लो। मैंने तेरे से कंट्रोवर्सी सॉर्ट करने का नहीं बोला, मैंने तेरे को खाली ये चीज सॉर्ट करने का बोला था कि जाट और राजपूत वाली चीज इसमें से फिक्स कर, तेरे मन में मेरे लिए जो चीजें रखनी है रख, सामने आके एक बार बस बोल कि कॉम्युनिटीज आपस में ना लड़े। 3 दिन तक वो आपस में कहा सुनी चलती रही, तब तक एक स्टोरी क्यों नहीं डाली, इतनी चिंता थी तो। 48वीं चीज, इज्जत गई काफी, इज्जत खराब हुई काफी, मारने की करी कोशिश, तेरी इज्जत थी कब, थी कब तेरी इज्जत? 16 साल के बच्चे तेरे साथ फोटो खिंचवा लेते, वो इज्जत होती है? पूरी फिटनेस इंडस्ट्रीज में से एक ढंग का इंसान तेरे से बात करता है जो पिछले 8-9 साल से हो? कोई नहीं करता, छोड़ वो चीज। इसने अगली चीज बोली, लीगल पुश करेंगे। लीगल पुश करने के लिए प्रूफ होना चाहिए, मैंने कहीं आपका नाम नहीं लिया, कहीं आधार कार्ड का नाम नहीं लिया, कोई फोन पे धमकी नहीं दी, कोई वीडियो कॉल पे धमकी नहीं दी, कोई मैसेज पे धमकी नहीं दी। मैं अगर आया हूं देहरादून, मैं कहीं भी घूम सकता हूं, मैं मेरे पास पूरा राइट है इस भारत में घूमने का, आपके बस की जितना जोर हो आप लीगल पुश कर लो, आपको लीगल में दिखाते हैं आपके गोटे कैसे टिकेंगे। बहुत इलीगल है ये वेपन के साथ आना और गाड़ी फोड़ना, तेरे पास प्रूफ है कि हमारे पास वेपन थे? कहीं कोई फोटो डली? क्रिकेट खेलने आए थे, वो बैट था हमारे पास, मेरे दोस्त बेसबॉल खेलते हैं, प्रैक्टिस करने आए थे देहरादून के अच्छे मौसम में पहाड़ों में, कि बॉल मारेंगे और बहुत दूर झील में जाएगी बॉल, खाई में मतलब, सॉरी। 51वीं चीज, 51, ये सीख नहीं देना चाहता कि पंगे हो तो मारो पीटो। तो मेरे भाई सीख ये चीज दे कि ऐसे काम मत करो कि जिनसे पंगे हो, सीख ये मत दे कि ऐसे काम, ठीक है। 52nd चीज इसने अच्छी बोली, कुछ तो अच्छा बोला,
कि प्लीज इसे कम्युनिटी का मुद्दा मत बनाओ, यहाँ पे इसकी मान लो, सुन लो इसकी भी थोड़ी, कास्ट वर्सेस कास्ट। 53rd चीज कि राजपूत लीडर बोल रहे हैं आने की तो कास्ट वर्सेस कास्ट होगा। मेरे भाई कोई भी समझदार लीडर होगा ना, वो ये चीज चाहेगा कि भाईचारा बना रहे और आपस में लड़ाई ना हो। तो तेरे जिन यारे दोस्तों ने बच्चों ने तेरे से मौज लेने के लिए लीडर बन के फोन करे ना, कम से कम राजपूत लीडर्स को या जाट लीडर्स को बदनाम मत कर। कोई भी लीडर ऐसा नहीं होता जो आपस में लड़ाई का या अपनी मुद्दे का उठा के पॉलिटिक्स पे फायदा उठाए, ठीक है। 54th चीज, एक बंदा कहता है कि उसके, एक बंदा अगर बोलता है तो उसके चक्कर में आपस में गाली गलौच मत करो आपस में कम्युनिटीज में, ऐसा इसने बोला है। तो मेरे भाई वो एक बंदा मैं नहीं हूं, वो शुरुआत करने वाले आप हो। मैंने आज तक कभी भी आपकी बिरादरी, जाति, धर्म, गोत्र के बारे में कुछ भी उल्टा नहीं बोला, वो आप थे जिसने चीज शुरू करी। 55वीं चीज, मेरा एंगल कम्युनिटी का एंगल देना नहीं था, तो आज तक क्यों कभी नहीं बोले कि भाईचारा बना के रखो। एक स्टोरी तो डाल सकते थे, लाइव आने में शर्म आती है, कॉन्फिडेंस लेवल लो है, लिख के पढ़ के बोलना पड़ता है, तो एक स्टोरी डाल देते, इतने दिनों से कहां गायब थे। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। 56th चीज, इतने छोटे बंदे से पंगा हो रखा है। देखो इसने मेरे को जैसे छोटा बोला, फिजिकल एस्पेक्ट में तू मेरे आसपास कहीं नहीं है, मेंटल एस्पेक्ट में तू मेरे आसपास कहीं नहीं है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में कोई जानता ही नहीं है। रही बात सोशल की, तेरे लाइफ में देख ले कितने लोग थे, यहां कितने लोग हैं, कितने लोग तेरे सपोर्ट में, कितने मेरे में। रही बात फाइनेंशियल सपोर्ट की, वो तेरी औकात नहीं है कि मैं उसके बारे में बात करूं। और कौन सा एस्पेक्ट रह गया, तो छोटा बंदा गया, तेरे अगर 2-4 फॉलोअर बढ़ गए तो तू हीरो हो गया, तेरे हवा में पंख उड़ने लग गए। आगे रुको, आसान है धमकी देना, कोई भी दे देता है। 57वीं चीज, अंड में गूदा हो तो तू देके दिखा। 58वीं चीज, इसका एंड कभी नहीं होगा, इस चीजों का तू एक बार बोल के देख, मैं करके दिखाता हूं। 59 चीज, भागना कायरता नहीं है, जब ऐसे 40 लोग पीछे पड़े तो भागो। अकेला काफी हूं, कोई रोक नहीं पाएगा, अल्फा मेल हूं, ये मत करा कर, अगर यही बोलना होता है। रुक जा, आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग टू मच। 60वीं चीज, 60th चीज, याद रखो ये जनरेशन अलग है, 2024 है। तो भाई तू बातें राजा राजा वाली क्यों करता है, सिकंदर वाली की, अकेला काफी हूं, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, मैं आ रहा हूं, जिद्दी हूं, जिद्द चाहिए, जब तेरे को पता है 2024 की जनरेशन है तो उसकी तरह रहे। 61वीं चीज, कितना पैसा कमा लूं, कल को मैं चला जाऊंगा, मेरे मां बाप का कुछ नहीं होगा। थोड़े दिन पहले तो तूने बोला था आई हैव नो फियर ऑफ डाइंग, इतना पैसा जोड़ दिया है, मां बाप आराम से रह पाएंगे, मेरा बड़ा भाई है उनको देखने के लिए, फंस गया। 62nd चीज, मेरे मां बाप उदास बैठे रहेंगे अगर मैं चला जाऊंगा, वो उदास तेरी हरकतों से मेरे भाई अब भी, कोई फर्क नहीं है, फील सेम है। कंगन के बारे में बोलने वाला था पता नहीं। 63rd चीज, भागना ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। लाइव में तेरे कौन से एक्सप्रेशन थे फिर, डर बिल्कुल नहीं रहा, डरना बिल्कुल भी नहीं है, तो लाइफ में क्या हो गया था, भाग क्यों गया, खड़ा रहता। 64th चीज, इस गुंडागर्दी को सपोर्ट कर रहे हो, इसे गुंडागर्दी नहीं कहते, इसे स्टैंड लेना कहते हैं। गुंडागर्दी वो थी जो आप आर्यन कंडारी के साथ कर रहे थे, गुंडागर्दी वो थी जो आप उस बच्चे के साथ कर रहे थे जिसने खाली एक नकुल ढुलकी रील बस शेयर करी थी और वो आपको नेशनल में मिल गया था और आपने पकड़ लिया था 10-20 बंदों के साथ जो भी थे, ध्यान है, उसके मुंह से भी यहां से ब्लड निकल रहा था, ठीक है। आखिरी चीज, केस फाइल कर रखा है, ये इसके लाइव की चीजें हैं भाई, ये इसके लाइव की चीजें हैं जो मैंने बोली हैं, कोई मनगणंत नहीं है इसका, लाइव देख लेना और मेरा लाइव देख लेना, जो चीजें इसने बोली है 65 चीजों पे झूठ, 65 में से 5 सही होगी, 60 चीजों पे अपनी बातों में झूठ, 3 दिन की स्क्रिप्ट में 60 चीजें गलत। कशिश गुप्ता, लर्न सम थिंग हाउ टू डू ब्रेक डाउन फ्रॉम मी, ठीक है। एक ना इसकी हर कॉन्ट्रोवर्सी में पैटर्न देखना कि ये हर बार ना सिंपथी गेम खेलता है, हर बार सिंपथी गेम खेलता है, मां बाप, देश,
मिडिल क्लास फैमिली, भारत का झंडा, माँ बाप के सपने। तेरे माँ बाप के सपने हमारे सपने नहीं है। वो क्या रात में ऐसे ही सो जाते हैं, उनको कुछ आता नहीं, उनका दिमाग नहीं चलता। तो कुछ और भी लिखा था, एक बारी देखने दो है मेरे को, वेट फॉर अ मोमेंट लिखा था। तो हाँ, पढ़ के ही बोल देता हूं ना मैं। नोट्स बनाए तेरे लिए मैंने आज, कभी नहीं बनाता ये लाइफ के लिए। इसकी हर सिंपती का एक, हर कंट्रोवर्सी का एक ना कॉमन ट्रेंड है, पब्लिक की सिंपती लेना। हर बार ये कंट्रोवर्सी करता है तो पब्लिक की सिंपती लेता है। कभी भी कोई भी कंट्रोवर्सी उठा लो, इतिहास गवाह है इसका। हमेशा ऐसे वर्ड यूज करेगा, सतर्क रहो, सावधान रहो, ये चीजें। इसका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है ना, वो एंगेजमेंट लेने का होता है सिंपती के थ्रू। और जो भी चीजें करता है उसका कोई प्रूफ नहीं होता, खाली वर्बल बोलता है। हर जगह इसने झूठ बोला है, हर जगह कुछ बोलता है, फिर कुछ कहता है, फिर कुछ बोलता है, फिर कुछ कहता है। हर जगह इसने मेरा नाम रजत दलाल नाम से लिया है, मैंने कहीं पे इसका नाम नहीं लिया। चिंगा किसी का भी नाम हो सकता है। और तूने बोला कि मैं तेरे थ्रू सोशल मीडिया बढ़ाना चाह रहा हूं, है कौन? तेरी औकात क्या है? तेरी औकात ना यही है कि अब तू कुछ भी नहीं रहा। और दूसरी चीज भाई, मेरी इससे बात हुई थी मुद्दे की चीज, कि तू जाटों को आके सॉरी बोल, जो कि इसने बोल दी। असल में तो बात यह हुई थी कि जाट वर्ड को झांट बोला है उसके लिए सॉरी, और दलाल को दल्ला बोला है उसके लिए सॉरी। पर इसको थोड़ी ईगो की इशू है, तो इसने खाली ये चीज बोल दी कि जाटों को सॉरी बोलता हूं। वो भी बहुत छोटे में बोल के निकल गया। देख, सॉरी पता है ऐसे बोलते हैं, ऐसे भाई, किसी भी राजपूत भाई को इसकी मेरी वजह से कोई दिक्कत हो तो हाथ जोड़ के सॉरी, गलती हो गई। ये चीजें कम्युनिटी बेस्ड पे नहीं लेके जानी थी, जो कि किसी एक कुकर्मी के चक्कर में चली गई। हाथ जोड़ के माफी, ठीक है, ऐसे मांगते हैं माफी। पता नहीं किस चीज का घमंड है भाई यार, किस चीज का घमंड है। रिपोर्ट ना भाई सुन, मैंने तेरा कहीं नाम नहीं लिया, तूने तो लॉ 5 साल पढ़ी है ना, हम पिछले कई साल से ना अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई समझता है ना, आज तक एक भी केस नहीं ठुका हुआ, सिंगल एक भी, ठीक है। तेरे पे अगर प्रूफ मिल जाए ना, बहुत बढ़िया लॉयर हायर कर। और तेरे को एक चीज बताता हूं, तेरे घर के घर बिक जाएंगे, घर के घर बिक जाएंगे, और तेरे पे बाल नहीं उखाड़ा जाएगा। ये प्यार से चीज बता रहा हूं, तूने सॉरी बोलना था, तूने सॉरी बोल दिया। मैं, मन तो था बोलूं कि मैं इसको माफ करता हूं, पर उसमें भी तेरे को इस ईगो हर्ट हो जाएगी। तो देख ऐसा है छोटे भाई, भाई तो है नहीं तू, तो देख ऐसा है चिंगा, अपनी औकात में रहना स्टार्ट कर। वैसे तो तेरी अब कोई औकात रही नहीं है, जो हल्की दलकी बची हुई है ना। एक ऐसा दिन भी आ सकता है कि तेरे को साइड में बिठा के ना, मैं तेरे आईडी पासवर्ड चेंज करके, 2-स्टेप वेरिफिकेशन चेंज करके ना, चिंगा 30 की जगह ना रजत 30 कर सकता हूं। उस लेवल तक जा सकता हूं, सारी पोस्ट डिलीट कर सकता हूं, तू इंस्टाग्राम से यूट्यूब से गायब कर सकता हूं मैं तेरे को, अगर मैं मेरी पे आया, ठीक है। तो मेरे भाई एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो चीजें हो गई हो गई, तेरी इज्जत पहले भी नहीं थी, अब बस वो थोड़ी पब्लिकली उछल गई है, तो उस पे लोड मत ले। मस्त चिंगा 30 कूपन लगा, अकेला काफी हूं, फिर लोगों को बोल मेरा सपोर्ट करो मेरी जर्नी में, लोगों को चूतिया काटो, पैसे बनाओ। और रही बात दूसरी ना, कि अगर तेरे को लगता है मेरे पास सोशल मीडिया पे लोग आ गए हैं, क्या हो गया है, तो मेरे भाई मैंने किसी के फोन से जाके फॉलो नहीं करा, और ना आज तक फॉलो वाली भीख मांगी, ठीक है, ना फॉलो करा ना फॉलो वाली भीख मांगी। और दूसरी चीज बताता हूं, पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूं, मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करूंगा जब तक मैं मेरा एनजीओ नहीं खोलता। उसके खर्चे के लिए मेरे को करना पड़ेगा, वो तब की चीज है। मैं मेरी जनता को चूतिया नहीं बनाने वाला, मेरे पेज से मैं काम की चीजें बोलता हूं, और मैं जैसा हूं वैसा दिखाता हूं, अगर कुछ गलत करता हूं वो भी दिखाता हूं, दूध का दुला बन के नहीं दिखाता, क्योंकि मैं इंसान हूं, मुझ में भी कमियां हैं, और मैं एक्सेप्ट करता हूं खुद को उस रूप में। पर अगर मैं कुछ करता हूं, मैं उसका झटका झेलने की हिम्मत रखता हूं,
और कुछ लोग ना दिखावटी होते हैं और कुछ ना एक दिल लेके पैदा हुए होते हैं, इतने सालों से चोट में हूं उभर के वापिस आता हूं, तू मेरे को कुछ हर्ट नहीं कर सकता और कर भी देगा ना उभर के आ जाऊंगा। और दूसरी चीज बताता हूं, अगर मेरे ऊपर केस ठुका ना तो जिस चीज का केस ठुकेगा ना वो मैं फिर करूंगा भी, और मैं तेरी जो सबसे प्यारी चीजें होंगी ना पूरी दुनिया में धरती पे सबके ऊपर जाऊंगा। तो इन चीजों को यहीं छोड़ दे, ईगो के चक्कर में ना तेरा फरवरी में स्पॉन्सरशिप खत्म हो रही है, तेरे को ना पता हो तो बता दूं मैं उस हद तक जा सकता हूं तेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा। अगर मैं मेरी पे आया, सारे एजेंसी वाले लिंक में सारे, अगर मैं मेरी पे आया तेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं मिलेगा। तो अच्छे खासे अगर स्पॉन्सरशिप के 6-7 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं ना, घर चला उसका, पब्लिक के दम पे तुम ऊपर उठते हो, फॉलोअर गेन करते हो, पब्लिक के दम पे तुम पे पैसा आता है, और उसके बाद उसी पब्लिक को फैमिली बोलने की जगह फैन बोलते हो। तेरे बाप के नौकर है क्या, किसी को फॉलो कर लेंगे तो तेरे चक्कर में उसके फॉलोअर बढ़े हैं। अपने पैर जमीन पे रखने सीखो, जैसे टिकटॉक भारत से गया है ना, अगर इंस्टाग्राम चला गया ना मुंह ते डोलोगे, क्योंकि तेरे को कोई ट्रेनर की नौकरी भी नहीं देगा। ये दूसरी बार भागा था जिम से, पहली बार भाग के एक बंदे के घर में कूदा था जो उसी स्कूल से पास आउट था जिस स्कूल में इनकी जिम है। उसने ओनर को फोन करा, तब इसने बोला मैं वहां पे इंप्लॉय हूं। वो बंदा छोड़ के गया है, घरों में कूदता डोल रहा था और बोल रहा है मेरे दोस्त आ गए थे लेने। 2 घंटे 1.5 घंटे पहले आपको पता लग गया था, उसके बाद आप पे कुछ नहीं उखड़ा। तो मेरे भाई संभल जाओ, सुधर जाओ, नी हेकड़ी ना ऐसी निकल जाएगी अगली बार ना मांडोटी छारा गांव में पंचायत के बीच में बैठे दिखोगे, और कहां से कहां आ जाओगे किसी को पता नहीं लगेगा। मैं भाईचारे में बोल रहा हूं, तू देहरादून पूना और तेरा झारखंड, तीन जगह में से कहीं भी कुछ बीट कर सकता हूं, तू संभल नहीं पाएगा। पता नहीं भाई क्या मिलेगा तुम्हें इतनी अकड़ करके गर्मी करके। दो चीजें थी, दल्ला शब्द दलाल की जगह, जाट शब्द जाट की जगह, इतनी सी चीज थी मेरे भाई, इतनी सी चीज थी। उसके चक्कर में तूने 60 चीजें झूठ बोली है तेरे लाइव में। तेरे को ये चीज पता होना चाहिए कि पब्लिक देख रही होती है और पब्लिक के पास दिमाग है, पब्लिक तेरी तरह दिमाग से खाली नहीं है। इसकी बोली हुई चीजें बताई है पूरी, भाई कुछ भी नहीं होगा, तेरे को कोई याद भी नहीं करेगा अगर तू चला गया। तो ऐसे काम मत कर, ऐसे काम मत कर। और हम ना तेरे को मारने गए थे ना पीटने गए, इतने मूर्ख नहीं है कि तेरे शहर में जाके इतने प्रूफ छोड़ूंगा, खुद जाऊंगा और खुद कुछ करूंगा। और तू अगर अब भी गर्मी में आया ना तो तू क्या, तेरे पापा की भी साइन टिकवा दूंगा मैं उस कागज पे। तो ऐसा मत कर कि मैं तेरे घर वालों को इन्वॉल्व करूं। मैं आज के बाद इस चीज के ऊपर नहीं बोलूंगा। तेरे को लीगली जो पाड़ना हो ना, तेरी जितनी पहुंचो, तेरे पे जितना पैसा हो, जितनी जमीन हो, सारा बेच ले, उसके बाद भी तू कुछ उखड़वा सके तो उखड़वा लिया, ठीक है। खुले में बोल रहा हूं ये चीज, प्यार से रहेगा 2 दिन में सब भूल जाएंगे, 4 दिन बाद तेरी इज्जत जो गई पड़ी थी वो वैसी रहेगी। मैं बोलने वाला था आ जाएगी, फिर मेरे को लगा नहीं आ नहीं पाएगी, सॉरी। मीम बनेंगे तेरे पे 1 महीने 2 महीने, हम पे मीम क्यों नहीं बन रहा। तू अपने 10 अकाउंट बना, हम पे मीम बना ले भाई, कंटेंट ही नहीं दिया मीम वाला कभी। तेरे चक्कर में मेरा थोड़ा कॉमेडी वाला ये डार्क ह्यूमर आ गया, पर चलो ये भी देख लिया तुमने। अच्छे से रह, इंसान के बच्चे की तरह रह, ना शेर बन ना राजा बनने की कोशिश कर। तू प्यार से रह, भाई तो हम बन नहीं सकते, भाईचारा बन नहीं सकता, पर हां बैर कोई मैं नहीं रखूंगा। मैं इतना पब्लिकली बोल रहा हूं कि अगर अब आपकी तरफ से कुछ नहीं होता तो मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा, और अगर आपकी तरफ से कुछ होता है उसके बाद मैं जिम्मेवारी नहीं लूंगा। लीगली कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लीगल की कोई दिक्कत नहीं है, पर ये इंस्टाग्राम पे आके ऑनलाइन हीरो मत बनो, अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। 105 किलो में अब तो खेल लिए थे, अब 105-93, 120 कहीं नहीं खेल पाओगे, क्योंकि बंदे अब इस बार खेलेंगे। तो भाई तुम सबसे भी इतनी विनती है कि ऐसे लंडुओं को ना इतना ऊपर मत चढ़ाया करो कि ये ऊपर चढ़ के हमारे सिर पे मूतने लग जाए। आपस में भाईचारा बना के रखो, अपने ऊपर प्राउड फील करो। मैं प्राउड हूं कि मैं जाट हूं, खुल के बोल रहा हूं, और जाटों के गाने भी चलाऊंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी दूसरे को डिफेम कर रहा हूं। मैं खुद पे प्राउड हूं और मुझे गर्व है, सब मेरे भाई हैं। ये होती है चीज सिंपल सीधी, डिप्लोमेटिक नहीं कि ये और वो,
तो अब से बस इतनी चीज है, इसे ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा, ऑलरेडी बहुत लंबा खींच चुका है। मैं मेरे पार्ट पे इस चीज को यहीं समाप्त करता हूं। अगर ये अब आके उठाएगा नहीं मुद्दा, अगर ये आके मुद्दा उठाएगा तो ऊपर वाला जाने मैं क्या रिस्पॉन्स दूंगा। तुम सब भाई अपने आराम से रहो। और सौरभ भैया, हीरो बनने के चक्कर में आप हमेशा मुंह की खा के बैठते हो, फिर मेरे से कॉन्ट्रोवर्सी करवा लेना, फिर मेरे 50,000 बढ़वा देना, फिर बोल देना मेरे थ्रू फॉलोअर आ गए। तो भाई सारे भाइयों को राम राम है, इस चीज को यहीं समाप्त करते हैं। अपने खुश रहो, ख्याल रखो, और बेल्ट का कोड चिंगा 30 होगा। सॉरी यार, इस बार तुम्हें मैंने कुछ स्माइल माइल नहीं दी, कुछ मीठा हो जाए। चलो भाई, भाई 13,000 लोगों के वोट आ गए, अगर 250 रुपए के हिसाब से बेचता ना लाइव, भैया 35 लाख रुपए एक दिन में छाप देता मैं, कंगन आ जाते फिर। अब देखो, आपने बोला ना, आपने बोला ना, ये तो इसकी शक्ल भी ये तो लाई मैंने खुल की, ये तो आ गया सामने।